नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम आए हुए हैं जामिया नगर में और यहां पे सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के जो नेशनल कन्वेनर हैं वो इरफान अहमद साहब, उनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं। इरफान अहमद साहब का जो थीम है, देश में कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो उनको लेकर सबसे पहले इनकी संस्था पहुंच जाती है हेल्प करने। और इसके अलावा कहीं भी, चाहे कोई भी सीजन हो, कहीं भी गरीब गुरुआ जिनको भी ज़रूरत है किसी भी चीज़ का, वहाँ उनकी ज़रूरत को पूरा करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इनकी संस्था काफ़ी दिनों से काम कर रही है। क्या क्या इन्होंने अपने संस्था में अब तक किया है, आगे क्या करने वाले हैं और क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इरफान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप, इतना हमें पता नहीं था 16 स्टेट में आप काम कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था दिल्ली हरियाणा तो 3-4 स्टेट में करते होंगे, 16 स्टेट में पूरे देश में आप काम कर रहे हैं और इतना ब्राइट आपने सोचा है, ब्राइट फ्यूचर नाम रखा हुआ है। आपने अभी तक जो काम किया उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, सबसे पहले आप बताइए, जहां आपको लगा हो कि ये चीज़ हमने सोचा नहीं था और ये हमने करके दिखा दिया। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का जो स्थापना 2008 में हुई, और जब से ही ये समाज में खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट पर, आपदा प्रबंधन पर काम कर रही है, और जब कामों की शुरुआत हुई तो हमने, जो आपने जैसा कि सवाल किया है कि क्या करा आपने, तो हम लोगों ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि वो वॉलंटियर नेटवर्क बनाया है, और वो हमारे पास जो वॉलंटियर हैं बेसिकली, तो वो निष्काम भाव से जो है वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हम किसी को कोई पेमेंट नहीं करते हैं, किसी वॉलंटियर को उसका जो है वो कंपनसेशन नहीं देते हैं कि भाई उसने काम किया है तो अब वो पैसे की डिमांड करेगा। इस वक्त 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं हमारे पास, उत्तर भारत के, विशेषकर उत्तर भारत के 15 राज्यों में। तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए, ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट, हम इसको समझते हैं, मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक जो आपने डिजास्टर में काम किया, जैसे अभी आप बता रहे थे कि असम में आपके टीम है और उनको ट्रेनिंग गवर्नमेंट द्वारा भी दी गई है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ऐसे भी वहाँ पे हर साल बाढ़ का खतरा रहता है, भूकंप में कुछ परेशानी होता है, तो ऐसे कहाँ कहाँ पे जाके आपके टीम ने लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराए जो सरकार या दूसरी संस्थाएं बाढ़ में पहुंची, पहले आपके टीम पहुंच गए वहाँ पे? भारत के, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उसमें असम, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये ऐसे प्रभावित राज्य हैं जो, जहाँ पर आपदा जब तब रहती है। असम की बात करें तो असम में हम ये देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसके जो पूरा जो चौर एरिया जिसे कहते हैं, तो वो 14 जिले तो प्रभावित रहते हैं। वो लोग साल के 6 महीने पानी में ही रहते हैं और 6 महीने वो बाहर रहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ एक बड़ी कोशिश की है, एक बड़ा संघर्ष किया है, और सरकार के साथ असम जो असधमा है, असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक दो हादसे हुए जिसमें नौका पूरी पलट गई, जिसमें 26-27 लोग सवार थे, तो वहाँ हमारे वॉलंटियर पहले पहुँच गए, और जो SDF की टीम है, जो NDRF होती है, वैसे SDRF होती है स्टेट की लेवल पे, तो SDRF की टीम वहाँ पर बाद में पहुँची, लेकिन हम लोगों ने मिलजुल करके वो ऑपरेशन चला करके वो 26-27 लोगों को जो है नदी से रिकवर किया। तो ये अब असम में हम तकरीबन जो है वहाँ 12 जो जनपदों में हम पहुँच गए हैं और बराबर काम कर रहे हैं, और सरकार के साथ बहुत अच्छा हमारा कोलैबोरेशन है। सरकार हमें मदद करती है, ट्रेनिंग में मदद करती है, सिविल डिफेंस हो या आपदा मित्रा हो, हमारे वॉलंटियर दोनों में शामिल हैं, बल्कि नेशनल लेवल की टीम या फिर नेशनल लेवल का अवार्ड तक जो है हमारे वॉलंटियर्स को मिला है। अभी हमारे एक वॉलंटियर हैं मतीबुर रहमान, जो कि असम से हैं, और वो अभी नागपुर में जो सिविल डिफेंस अकेडमी है वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये ट्रेनिंग सरकार की तरफ से उनको सेलेक्ट करके दी जा रही है। तो ये हमारा अचीवमेंट है, हम लोग इस तरह से
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देश में जो भी आपदाएं आ रही हैं उनको रिस्क उनके रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए और जन जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हम होने वाली जो इंसानी जानों की हानि होती है आपदा में, इंसानों के अलावा जानवरों का भी बड़ा नुकसान होता है, तो उन सबको बचाया जा सके, ये हमारी कोशिश है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से बताया कि नौका पलट गए और आप वहाँ पहले पहुँचे, अभी दिल्ली में भी बाढ़ आया था, हमने पहली बार देखा दिल्ली का बाढ़ काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ भी आप लोगों ने काम किया होगा, यहाँ किस तरह का अनुभव फील किया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था बाढ़ आएगा, लोग रात तक सोच नहीं रह रहे थे कि बाढ़ आ जाएगा, हाँ पानी आएगा और बीत जाएगा, ऐसा कुछ था। दिल्ली की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो दिल्ली में जैसे ही अलर्ट मिला हमें कि पानी आ गया है सबसे पहले ITU पर, तो मैं खुद गया और उस पानी के अंदर हम लोग गए और ये जांचने की कोशिश की कि किस लेवल तक की पानी आ गया है। तो ITU के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे, हम लोग वॉक करके वहाँ गए और जहाँ जहाँ भी पानी आया था उसका एक जायज़ा मैंने खुद लिया, चूँकि यहाँ हमारा हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर में मैं था तो मैं खुद गया और जायज़ा लिया। फिर वो एक करीब 50 वॉलंटियर्स की टीम जो है हम लोगों ने डिप्यूट की और जिन्होंने सिविल डिफेंस के साथ मिल करके जो है एक तो रेस्क्यू का काम किया। रेस्क्यू मींस बहुत से ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी आबादियां हैं जो निचली सतहों पर थी जमुना के किनारे, तो वो वहाँ पानी भर गया था, तो वहाँ से उनको खाली करके रेस्क्यू करके जहाँ सरकार की तरफ से टेंट वगैरह बनाए गए थे उनके ठहरने का अरेंजमेंट किया गया था, कुछ विद्यालय थे जहाँ उनके ठहरने का अरेंजमेंट किया गया था, तो हमारे वॉलंटियर्स की मदद से वो रेस्क्यू का काम हुआ। और फिर उसके बाद लगातार हम लोगों ने 10 दिनों तक तकरीबन 2000 लोगों को जल और खाने के पैकेट्स और पानी की बॉटल्स वो लगातार 10 दिन तक हम लोग देते रहे। उसके अलावा सरकार का भी बड़े स्तर पर काम था और ये SBF की तरफ से था 10 दिनों तक लगातार। फिर हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि उनको पुनर्वासित किया जाए, तो कुछ निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी निकल गया था वहाँ पर हम लोगों ने पहुँच के टारपोलिन और उनकी जो भी शैंटीज थी उसको डेवलप कराया और उसमें जो मटेरियल लगना था वो हम लोगों ने कलेक्शन किया और मटेरियल उन लोगों को प्रोवाइड किया। बिल्कुल, आम लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं या दिल्ली के लोग भी आमतौर पे ये सोचते हैं कि दिल्ली जो है वो बहुत खूबसूरत है और सभी बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस बार में और उससे पहले भी हमने जब जमुना खादर के आसपास देखा तो सराय काले खां के सामने कुछ झुग्गी कह लें या वो लोग तो कहते हैं हम पुश्तैनी रह रहे हैं यहाँ 70 साल से, लेकिन वहाँ पर हमने देखा पिछले साल तक बिजली नहीं था, अब भी बिजली पहुंचाया है और बाहर में उनकी जो दुर्दशा हुई थी वो सभी उठ के जैसे बिहार में सड़क किनारे रहते हैं वैसे वो लोग भी सड़क किनारे रह रहे थे, तो लोगों को दिल्ली में लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल्ली में भी इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और उसको लेके उसे पहचान के आप वहाँ तक पहुँचते हैं। अभी जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दी के मौसम में आपको पता होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रात में सड़कों पे सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बिल्कुल जगह जगह रैन बसेरा बनाए हुए हैं, लेकिन रैन बसेरा में भी कितने लोग आएंगे उन उसके बावजूद भी लोग बाहर सोने को मजबूर रहते हैं। उनके फैसिलिटी के लिए भी आपने बताया कि हर साल आप लोग ब्लैंकेट वितरित करते हैं, तो आने वाले समय में सर्दी से निपटने के लिए आपकी संस्था किस तरह से तैयारी कर रही है? हम लोग जहाँ तक कि सर्दी के मौसम की बात है या जाड़ों की बात करते हैं तो हम इसको ये समझते हैं ये भी एक आपदा है, क्योंकि जब शीत लहरें चलती हैं तो हम रोज़ाना अखबार की खबर में या चैनलों के माध्यम से ये जानते हैं कि आज इतने लोग मर गए शीत लहर की वजह से, कल इतने लोग मर गए, तो शीत लहर जब चलती है तो वो भी एक तरह से आपदा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट राहत जो है वो शुरू किया जो कि 2008 से लगातार चल रहा है और 2008 से ही लगातार हम लोग 15 राज्यों में नॉर्थ इंडिया के जो कि सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं कैटेगराइज कर रखा है कौन से सबसे ठंडे हैं और फिर उसके बाद मध्यम ठंडे कौन से हैं और फिर निम्न ठंडे कौन से हैं, तो वो उसके लिहाज से हम लोग हमारी चूंकि वॉलंटियर नेटवर्क है और वो वॉलंटियर नेटवर्क सर्वेक्षण करता है, सर्वे के बाद फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हमारी कोशिश होती है कि उनको कंबल मिले पहुंचाया जाए। तो अब तक की हम लोग
ढाई लाख से ज़्यादा जो हैं वो कंबल बांट चुके हैं, और इस बार भी हमारा जो लक्ष्य है वो 25,000 का है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, सर्वे चल रहा है, और जहाँ तक की जो रैन बसेरे की बात है या फिर जो होमलेस लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कंबल के साथ साथ जो है वो ठंडे कपड़े भी प्रोवाइड कराए जाएं। तो ठंडे कपड़े भी हम सोसाइटी से, बड़ी सोसाइटी से कलेक्ट करते हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कभी अगर इस तरह का कलेक्शन भी हमें मिलता है तो हम भी उससे ख़रीद के नए कपड़े भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और ये जनवरी और फरवरी तक की चलेगा, जब तक की ठंड रहेगी। ठंड रहता है बिल्कुल। एक और जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आती है फंडिंग का, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, फंडिंग की कमी भी महसूस होती होगी, उसे पूरा करने के लिए आप लोगों ने क्या तरकीब निकाला है, गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है या इंडस्ट्री वालों से क्या सपोर्ट मिलता है, और आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहेंगे कि ताकि ये काम करने में आपने जो परेशानियां झेली है, परेशानी का तो काम ही है आपका डिजास्टर में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो परेशानी कम हो सके उसके लिए। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो सरकार के साथ मिल करके काम करे। हमने सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए हैं कि सरकार का फंड हमें हासिल हो, लेकिन अभी तक तो हमें कोई फंड इस तरह का नहीं मिल पाया है। अलबत्ता ये कि CSR फंड हमें मिलते हैं, और उसके अलावा पब्लिक सपोर्ट बहुत मिलता है, पब्लिक डोनेशन है, इंडस्ट्रीज़ जो छोटी छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटे बड़े दोनों ही तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका डोनेशन मिलता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पब्लिक डोनेशन से ही एक इक्विटी को ट्रांसफ़र किया जाए, जिनके पास है वो दें और जिनके पास नहीं है उन तक ही पहुँचाया जाए। हमारा काम यहाँ पर एक ब्रिज का होता है, और हम लोग जो हैं डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए से जो है वो ड्राइव चलाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए भी, और दूसरे जो प्रोजेक्ट होते हैं जब इमरजेंसीज़ होती हैं उस दौरान भी हम ड्राइव चलाते हैं, और ड्राइव में जो कलेक्शन होता है हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा का पूरा उन तक पहुंचा दिया जाए, उससे पूरी तरह से उनकी मदद कर दी जाए। तो हम लोग 100% यूटिलाइज़ करते हैं। बिल्कुल, आप तमाम दर्शक भी समझते होंगे कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह उठने के बाद सोचते हैं कि आज मैं अपना पैसा कहाँ खर्च करूं, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आज मैं रोटी के लिए पैसा कहाँ से कमाऊं। तो जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और खर्च नहीं कर पाते हैं उनसे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ब्रिज बन के ये काम कर रहे हैं हमारे इरफान साहब। और उन लोगों को ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी पैसे के अभाव में जी रहे हैं उनको अगर पैसे वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर ऐसे लोगों का मदद करने के लिए आगे आएँ जो अभावग्रस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको जीने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। आप बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, रात में क्लब में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, सड़क किनारे सो जाते हैं, उन लोगों के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए, और इरफान साहब जैसे संस्था से जुड़ के आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। इरफान साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।